बुलंदशहर में बारातियों से भरी इको कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। हादसे में दो युवतियों समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई कार में कुल आठ लोग बताए जा रहे थे। दो लोगों को रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला गया। डीएम एसएसपी मौके पर, एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया। 5 साल की एक मासूम समेत तीन लोगों की अभी तलाश जारी है। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी कर दी गई है। हादसे में अंजलि, कांता और मनीष की पानी में डूबने से मौत हो गई। खबर काकोड़ से, अलीगढ़ बारात में जा रहे थे कार सवार। बारिश के दौरान अनियंत्रित हुई कार बुलंदशहर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के कपला नहर के पास हुआ हादसा। सर, एक इको गाड़ी जो है वो नहर में गिरी है, क्या पूरा मामला है, कितने लोगों की सर मौत हुई? ये थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात हुई, बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, जिसमें कि फ्लड पीएचसी हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहाँ से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनकी जिनमें से 1 की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है और शेष 3 लोग अभी नहीं मिले हैं। उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। SDRF और NDRF दोनों को रिक्विजिशन कर लिया गया है और जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया और यहाँ के स्थानीय जनता के भी सहयोग लेकर के खोज कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मृतक हैं उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अगले मेरी कार्रवाई। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ऐसा कुछ पता है? ये थाना ककोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी और ये लोग यहाँ से अलीगढ़ जा रहे थे कार्यक्रम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।